देवास में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार रात आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम रजोदा स्थित एक रिहायशी कमरे की तलाशी ली, जिसमें से 16 गत्ते की पेटी में कुल 800 पाव देशी शराब बरामद की गई। शराब को जब्त कर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और आबकारी विभाग का कहना है कि शराब के अवैध धंधे करने वालों पर इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। न्यूज़ लाइफ एमपी के लिए देवास से रईस पठान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslifeMP.com।